अस्सलाम वालेकुम। हम अपने नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करते हैं, तो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। इससे पहले हमने पढ़ा था मैक्सवेल्स इक्वेशंस के बारे में। चैप्टर नंबर 40 जो है, जो मेरे पास एडिशन है इस बुक का, उसमें चैप्टर नंबर 40 जो है वो मैक्सवेल्स इक्वेशंस के बारे में। और उसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी। अगर मैं उसको रिव्यू कर ही दूँ, तो ये चार इक्वेशंस जो हैं ये मैक्सवेल्स इक्वेशन कहलाती हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की जो पूरी थ्योरी है उसका फादर मैक्सवेल को कंसिडर किया जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के जो थ्योरीज थी ना, कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म जनरेट हो सकती है, मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, उसको सबसे बेहतरीन अंदाज में कंपाइल करके और उसके सारे एरर्स रिमूव करके इसे मैक्सवेल ने लिखा है, ठीक है। तो ये टेबल जो है, टेबल नंबर 2, और इस एडिशन में ये पेज नंबर 863 पर मौजूद है। तो ये टेबल जो है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू लर्न। ये टेबल आपको एज इट इज याद होना चाहिए। चैप्टर नंबर बेशक ना याद हो, कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन बाकी जो है, नेम इक्वेशन का, नेम इक्वेशन एक्चुअली है क्या, इक्वेशन याद होनी चाहिए, उसका मतलब क्या है और उसके लिए एक्सपेरिमेंट कौन सा यूज हुआ है, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो ये पहला जो है, दैट इज गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, सेकेंड इक्वेशन इज गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, थर्ड इज फैराडेज लॉ और फोर्थ इज एम्पेयर्स, ठीक है। और ऐसे भी एम्पेयर्स लॉ के साथ लिखा है एज एक्सटेंडेड बाय मैक्सवेल, मतलब एम्पेयर्स लॉ में कोई गलती थी जो हमने देखी थी और उस गलती को रिमूव किया था मैक्सवेल ने, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। और मैंने आपको ये बात बताई भी थी कि ये इस वजह से इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कंबाइन करता है बेहतरीन अंदाज, ठीक है। सो मैक्सवेल का ये क्लेम था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म बेसिकली दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स नहीं है, बल्कि एक ही चीज़ है दो डिफरेंट हालतों में, ठीक है। उसका एक्सपीरियंस हम डिफरेंट तरह से कर सकते हैं, लेकिन होती वो एक ही चीज़ है। लेकिन ये बात तो फैराडे और एम्पेयर ने भी बताई, मैक्सवेल ने नया क्या बताया था? मैक्सवेल ने ये बताया था कि बेसिकली हमें हर वक्त जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को अलहदा अलहदा समझें। हम हमेशा ये नहीं कह सकते कि या तो इलेक्ट्रिसिटी होगी या तो मैग्नेटिज्म होगा, कई बार दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं और उससे हमारे पास दो बड़ी ब्रांचेज निकलती है फिजिक्स की, दो बड़े सॉल्यूशंस निकलते हैं या होराइजन निकलते हैं जो कि हमारी नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर को बहुत हद तक चेंज कर देते हैं या हमारे लिए नेचर को समझना ज़्यादा आसान कर देते हैं। तो जो दो एस्पेक्ट्स हैं वो ये हैं। पहला एस्पेक्ट है, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। सो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हमने हमेशा से समझा हुआ था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जो उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता प्रोपगेट करने के लिए। तो सवाल हमेशा ये पूछा जाता था कि फिर वो डिस्टर्बेंसेस किस में होती हैं, क्योंकि वेव्स तो बेसिकली डिस्टर्बेंसेज है ना, तो कोई मीडियम नहीं है तो फिर डिस्टर्ब किसको करेंगे, ठीक है। तो फिर मैक्सवेल की इक्वेशंस जो है वो हमें ये बताती हैं कि बेसिकली ये जो डिस्टर्बेंसेस है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ये इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स की डिस्टर्बेंस है। तो क्योंकि फील्ड्स खुद ब खुद डिस्टर्ब हो रही होती है, इस वजह से इन इन वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किसी दूसरे मीडियम की जरूरत नहीं होती, ठीक है। अभी मैं इसको इसलिए डिटेल में नहीं एक्सप्लेन कर रहा क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर है ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हवाले से, तो उसमें हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा जो है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड रिलेटिविटी। बेसिकली आप लोग जब फिफ्थ सेमेस्टर में आएंगे, रिलेटिविटी को
स्टार्ट करेंगे, तब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन मैं हमेशा बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, जब मैं रिलेटिविटी पढ़ा रहा होता हूँ, कि मैक्सवेल जो था, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक, हम समझ सकते हैं कि एक किस्म आइडियल था। हम किसी शख्स को आइडियल समझते हैं ना, मतलब फिजिक्स में मुझे ये शख्स पसंद है, या क्रिकेट में मुझे ये शख्स पसंद है, मतलब आपका फेवरेट क्रिकेटर या फेवरेट साइंसदान। तो आइंस्टाइन का एक सेंस में फेवरेट साइंटिस्ट जो था वो मैक्सवेल था। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आइंस्टाइन ने जब अपनी रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बुनियाद रखी थी, तो उसने उसमें एक पोस्टुलेट रखा था कि स्पीड ऑफ लाइट इज कॉन्स्टेंट इन वैक्यूम। ठीक है, तो वो आइंस्टाइन को खुद से नहीं पता था, वो आइंस्टाइन ने खुद निकाल के नहीं देखी थी स्पीड ऑफ लाइट, वो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सवेल ने निकाल के देखी। और मैक्सवेल ने ये साबित किया था कि ये स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट होती है इन वैक्यूम, और आइंस्टाइन मैक्सवेल पे यकीन रखता था। तो आइंस्टाइन ने फिर उसके उस पोस्टुलेट को उठाकर अपनी थ्योरी पे शामिल किया, और उससे एक नई थ्योरी पैदा की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक सेंस में बुनियाद भी है रिलेटिविटी। ठीक है, तो ये दो बड़े एस्पेक्ट्स जो हैं वो पैदा हुए मैक्सवेल की फोर इक्वेशन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की पूरी थ्योरी डेवलप हो गई यहाँ से। और दूसरा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से फर्दर जाकर फिर रिलेटिविटी भी थ्योरी जो है वो स्टार्ट हुई। ठीक है, तो अब उन दोनों जो बड़े एस्पेक्ट्स इसमें से स्टार्ट हुए, उनमें से एक एस्पेक्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का अब हमारे पास पूरा चैप्टर है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सवेल इक्वेशन द टॉपिक ऑफ नॉट ओनली समराइज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन अ कम्पैक्ट मैनर, द इक्वेशन ऑल्सो लीड टू एंटायरली न्यू फिनोमेना। जैसा कि मैंने बताया था कि सिर्फ वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन नहीं करती इक्वेशन, बल्कि हमें कुछ नया भी बताती है। परहैप्स द सुप्रीम अचीवमेंट्स ऑफ मैक्सवेल थ्योरी वाज अ प्रेडिक्शन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड रियलाइजेशन दैट लाइट कुड बी अंडरस्टूड एज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैक्सवेल की जो ये इक्वेशंस थी, या मैक्सवेल की अब हम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसको कहते हैं, तो उसकी थ्योरी की सबसे बड़ी अचीवमेंट जो थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दरियाफ्त थी। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की दरियाफ्त तो पहले भी हो चुकी थी, लेकिन उनकी जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन थी वो मैक्सवेल ने दी थी। ठीक है, और मैक्सवेल ने ही ये बताया था कि बेसिकली रोशनी, लाइट भी जो है वो एक किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? मैं आपको स्पेक्ट्रम बता देता हूँ कि बेसिकली पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है। जी देखिए, स्पेक्ट्रम, अगर मैं आपको इमेजेस दिखा दूँ, सो ये देखिए, दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, जिसमें डिफरेंट वेवलेंथ्स या डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज जो है वो उसका पूरा ग्राफ प्लॉट किया गया हो, तो उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो अगर मैं अपनी किताब में वापस आ जाऊँ, तो हमें यहाँ पे कहा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की, उनका अगर पूरा ग्राफ प्लॉट किया जाए तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है, ओके, लेकिन मसला ये है कि एक्चुअली जब मैक्सवेल ने ये थ्योरी पेश की थी, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म, तो उसमें उस वक्त तीन चीजें, लाइट, इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट, ये तीन किस्म की रेडिएशंस का उस वक्त हमें पता था। ठीक है, इनके अलावा हमें नहीं पता। इन तीन के अलावा हमें नहीं पता था, लेकिन आज के दौर में हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो इनके अलावा भी होती हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनके अलावा भी होती है, तो हमने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की थ्योरी पढ़ने से पहले हम ये देख लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कैटेगरीज कौन कौन सी होती है, या उनका पूरा स्पेक्ट्रम कैसा होता है, उनका पूरा ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, उसके लिए हम, पहले मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ, फिर मैं आपको उसकी कैटेगरीज दिखाऊंगा। देखिए,
ये है जी ग्राफ, ये देखिए दो ग्राफ हमें प्लॉट करके दिखाएंगे। एक है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का जो कि राइट टू लेफ्ट जो है वो इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलूँ तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग की तरफ प्लॉट की गई है, और नीचे वेवलेंथ प्लॉट की गई, ये लेफ्ट टू राइट जो है वो इंक्रीजिंग की तरफ प्लॉट की गई है, ठीक है। अच्छा अब गौर से देखिए, साथ में लिखा है इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं, इसके साथ तो हमें यूनिट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी इज इन हर्ट्ज। तो 10^24 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे 10^21 हर्ट्स, 10^18, 10^15, 12, 9, 6, 3 एंड 10^0, ओके। यहाँ पर देखें नीचे वेवलेंथ प्लॉट की गई, और वेवलेंथ के साथ यहाँ पे लिखा है देखें 10^-15, और यहाँ पे लिखा है मीटर, मतलब 10^-15 मीटर, -12, -9, -6, -3, 1, 10^3, 10^6 एंड 10^9। तो ये हमारे पास सारे लिखे गए, मतलब हमने क्या किया, हमने प्लॉट कर दिया वेवलेंथ को और फ्रीक्वेंसी को। हमें पता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के दरमियान इनवर्स रिलेशन होता है, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा को दूसरी तरफ ले जाए तो एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा, वी हम कहते हैं कॉन्स्टेंट है, तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। जितनी वेवलेंथ बढ़ाते जाएंगे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, तो इस वजह से हमने दोनों को एक पे ही प्लॉट कर सकते हैं क्योंकि दोनों इनवर्स हैं। अब आप देखें, हमने कहा 10^21 हर्ट्स की और 10^-12 मीटर की जो वेवलेंथ वाली वेव्स होती हैं उनको कहा जाता है गैमा रेज़। उसके बाद देखेंगे 10^-9 के करीब जो है दीज आर एक्स रेज, और 10^-8 कह लें आप यहाँ पर अल्ट्रा वायलेट, 10^6 के पास पास जो है उस रीजन को कहा जा गया है विजिबल रीजन, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 10^15 हर्ट्स बताई। उसके बाद 10^13 के करीब इंफ्रारेड आ जाती है, 10^-3 वेवलेंथ के करीब माइक्रोवेव्स, ठीक है, जो हमारे पास माइक्रोवेव ओवन्स में वेव्स इस्तेमाल होती हैं वो इतनी वेवलेंथ की होती है, ठीक है। फिर 1.0 मीटर की होती है हमारे पास टीवी या एफएम, टीवी मतलब जो हमारे पास एंटीना टीवी होते थे या डिश टीवी होते हैं या हमारे पास रेडियोज होते हैं एफएम, वो हमारे पास 1.0 मीटर वेवलेंथ के होते हैं, और एएम जो है वो हमारे पास 10^3 किलोमीटर्स के होते हैं, ठीक है। तो एएम और एफएम में क्या फर्क है, आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन पे भी अगर रेडियो देखे तो वहां पे आपके पास दो चैनल्स आ रहे होते हैं, एफएम रेडियो और एएम रेडियो, ठीक है। तो एफ एम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ए एम का मतलब होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, लेकिन ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है तो उसको हम स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। इसी के तरह आगे चलते जाएं तो 10^6 में जो है वो लॉन्ग रेडियो होती है, ठीक है। तो ये सारी जो है वो रीजन्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। मैं आपको कलर दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो ये जो कुछ इस तरह से देखें, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, तो ठीक है, आप इधर भी देख सकते हैं। जी देखें, इसमें नहीं लिखते, गैमा रेज की रेंज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रेडियन, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो, तो ये सारी कैटेगरीज हैं। गैमा रेज भी होती है, एक्स रेज भी होती है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड। अब देखें, मैक्सवेल के दोनों में सिर्फ इन तीनों का पता था, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड और विजिबल का पता था, ना गैमा रेज ना एक्स रेज का पता था, ना माइक्रोवेव का पता था, ना रेडियो वेव का पता था, तो ये वेव्स बाद में दरियाफ्त हुई। तो अब हमें पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के स्पेक्ट्रम में ये सारी वेव्स होती है, ठीक है। तो उसमें हम पहली देखते हैं लाइट, लाइट द विजिबल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम इज वन, विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम इज वन ऑफ द मोस्ट फेमिलियर टू अस बिकॉज एज अ स्पीशी वी हैव अडेप्टेड रिसेप्टर्स, ठीक है। तो देखिए, हमें
विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में विजिबल रीजन का सबसे बेहतर तौर पर पता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अडेप्टिव रिसेप्टर्स हैं, मतलब हमारे पास विजिबल रीजन लाइट को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास बिल्ट इन डिटेक्टर्स होते हैं। कौन सी? हमारी आईज, ठीक है, दैट आर सेंसिटिव टू द मोस्ट इंटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिटेड बाय सन, द क्लोजेस्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोर्स। द लिमिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल रीजन आर फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो विजिबल रीजन जो होता है उसमें हमारे पास बेसिकली उसको विजिबल रीजन कहते ही इस वजह से हैं क्योंकि इतनी रेंज की फ्रीक्वेंसीज हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इस तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम लाइट भी कहते हैं। तो ये हमारे पास सबसे मोस्ट फेमिलियर है, तो इसको तो हम जानते हैं बेहतर तौर पर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर वाली जो वेवलेंथ है उसका कलर वायलेट होता है और 700 नैनोमीटर का कलर जो है वो रेड होता है, और इसके दरमियान बाकी सारे कलर्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लाइट इज ऑफन होते लाइट इज ऑफन इमिटेड व्हेन आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फॉर दिस रीजन सच ट्रांजिशन इन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ऑप्टिकल ट्रांजिशन। लाइट कैसे प्रोड्यूस होती है, ये खैर केमिस्ट्री में आपने ज्यादा बेहतर तौर पर पढ़ा होगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट पे जंप करता है तो वो एनर्जी रिलीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन। ठीक है, और फिर हम उस फोटोन को देख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इज इंफ्रारेड। इंफ्रारेड रेडिएशन विच हैज वेवलेंथ लॉन्गर देन द विजिबल 0.7 माइक्रोमीटर टू अबाउट 1 मिलीमीटर इज कॉमनली इमिटेड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स व्हेन दे चेंज देयर रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो तब प्रोड्यूस होती है जब एटम्स जो हैं वो अपने रोटेशनल या वाइब्रेशन मोशन में कोई चेंजिंग लेके आते हैं। ठीक है, ओके, ऑफन दिस चेंज अकर्स एज अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ इमिटिंग ऑब्जेक्ट एंड इज ऑब्जर्व एज अ चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट दैट डिटेक्ट्स द रेडिएशन। In this case, infrared radiation is an important means of heat transfer and it's sometimes called heat radiation. ठीक है, तो infrared radiation जो होती है वो हमारी heat radiation होती है। ठीक है, okay. Third is microwaves. Microwaves can be regarded as short radio waves with typical wavelengths in range of 1 millimeter to 1 meter. They are commonly produced by electromagnetic oscillators in electrical circuit, as in case of microwave ovens. ठीक है, तो माइक्रोवेव्स जो होती हैं वो होती हैं जिनकी, जैसा कि नाम से जाहिर है, नहीं ये आप कह सकते हैं कि स्मॉल लेंथ की रेडियो वेव्स ही होती हैं जिनकी रेंज जो है वो 1 मिलीमीटर से लेके 1 मीटर तक हो सकती है। ठीक है, तो इनके जो प्रोड्यूस करना है वो तो बड़ा आसान है। हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर लेते हैं, जैसे हमने पढ़ा भी था पिछले किसी चैप्टर्स में, और उनकी फ्रीक्वेंसी इस तरह से सेट कर सकते हैं कि हमारे पास माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस हो जाएं। ठीक है, जैसा कि हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में करते हैं, माइक्रोवेव ओवन्स में हम खुद ही प्रोड्यूस करते हैं ना, माइक्रोवेव्स हमने खुद ही बनाए तो हम खुद ही उसको प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, माइक्रोवेव्स आर ऑल्सो रीच अस फ्रॉम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोर्सेज। द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन द माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन विच इज बिलीव टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एसोसिएटेड विद द बिग बैंग फायरवॉल दैट मार्क द बर्थ ऑफ द यूनिवर्स सम 10 about 10 years ago as the universe expanded and cooled. The wavelength of radiation was stretched until it is now in the microwave region with a peak wavelength of about 1 millimeter. Neutral hydrogen atoms which populate the regions between the stars in our galaxy are another common extraterrestrial source of microwave emitting radiation with a wavelength of 21 centimeter. अच्छा, अब ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट है और एक बहुत ना बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये जनरल रिलेटिविटी में देखा जाता है, माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, तो इसको हम MBR कहते हैं। माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन ये है कि हमें कैसे पता कि जी यूनिवर्स जो है वो बिग बैंग से स्टार्ट हुआ था, तो उसका हम ये कहते हैं कि देखें, ये फर्ज कर लें अगर हम बिग बैंग हुआ, यूनिवर्स बिग बैंग से स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद एक्सपेंशन होती गई, तो बिग बैंग के वक्त जो रेडिएशन एमिट हुई थी उनकी भी जो है वेवलेंथ वो स्ट्रेच होती गई, तो इतनी स्ट्रेच हुई कि अगर वो उस टाइम एक्सरे रेडिएशन भी थी या गामा रे रेडिएशन भी थी तो स्ट्रेच होते होते उनकी वेवलेंथ इंक्रीज होती गई है, और अब जो है वो
कई करोड़ों अरबों साल बाद वही रेडिएशन जो तब इमिट हुई थी, अब वो रेडिएशन जो है वो माइक्रोवेव रीजन में है। ठीक है, तो जब माइक्रोवेव रीजन में है तो आप उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और जब हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं तो हम जान सकते हैं कि उस वक्त इन वेव्स की हालत क्या थी, और फिर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त हमारे यूनिवर्स में क्या हुआ होगा। तो ये एक सोर्स है माइक्रोवेव्स का। ठीक है, फोर्थ इज रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स हैव वेवलेंथ लॉन्गर देन 1 मीटर, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम टेरेस्ट्रियल सोर्सेस। ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेटेड इन वायर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, बाय केयरफुली चूजिंग द ज्योमेट्री ऑफ दिस सर्किट्स एज इन एन एंटीना वी कैन कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस इमिटर रेडिएशन। देखिए, हमारे पास अगर आपने देखा हो तो जो स्टार्स की या गैलेक्सीज की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं वो कुछ इस तरह के डिटेक्टर्स होते हैं। ये जो तस्वीर बनाई इस तरह के या इस तरह की डिशेज होती। इस तरह की डिशेज होती ये डिशेज जो है वो बेसिकली लाइट नहीं डिटेक्ट कर रही होती, ये डिशेज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिटेक्ट कर रही होती हैं रेडियो रेंज। तो इस वजह से इनको एंटीना भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास यूनिवर्स में बहुत सारी रेडिएशन जो है वो रेडियो वेव्स के रीजन में होती हैं, उस लिमिट में होती हैं, क्योंकि उनकी वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। तो इस वजह से उनको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास ऐसे डिटेक्टर होने चाहिए जो कि रेडियो वेव्स को डिटेक्ट कर सके। रेडियो वेव्स रीच अस फ्रॉम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोर्सेज, हम बीइंग अ मेजर सोर्स ऑफ दैट ऑफन इंटरफेयर्स विद रेडियो टीवी रिसेप्शन ऑन अर्थ। जुपिटर ऑल्सो इज एन एक्टिव सोर्स ऑफ रेडियो emissions. Mapping the radio emissions from extraterrestrial sources known as radio astronomy has provided information about the universe that is often not obtainable using optical telescope. अब ये देखें, ये जो रेडियो वेव्स है ना, इनसे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है यूनिवर्स की जो कि कई बार विजिबल रीजन से नहीं मिलती। लेकिन इसको ज़्यादा बेहतर तौर पर मैं एक्सरे और गैमा रे में बता सकता हूँ, अल्ट्रावायलेट। द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन द विजिबल बिगिन विद द अल्ट्रावायलेट 1 नैनोमीटर, विच कैन बी प्रोड्यूस इन एटॉमिक ट्रांजिशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज इन रेडिएशन फ्रॉम थर्मल सोर्सेज सच एज सन। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम जानते हैं कि जी अगर कोई स्टार जो है वो ब्लू नज़र आ रहा है तो मतलब वो ज़्यादा हॉट है, अगर वो ऑरेंज टाइप नज़र आ रहा है तो उसका मतलब वो उसका टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम है, वो जो ब्लू नज़र आ रहा है उस स्टार से, क्योंकि जितना ज़्यादा हॉट होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उतनी ज़्यादा उसकी वो एनर्जी ज़्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी और उसका जो कलर है वो वायलेट की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो सवाल ये पैदा हुआ कि अगर वायलेट से भी ज़्यादा हॉट किसी चीज़ को कर दिया जाए तो फिर क्या होगा? तो फिर हमने कहा कि उससे जो रेडिएशन निकलती है उनको हम अल्ट्रा वायलेट कहते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेडिएशन होती है कंपेयर टू विजिबल रीजन। लेकिन हमारे पास मसला क्या होता है कि हम अपनी आंखों से सिर्फ वायलेट तक देख सकते हैं, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट को हम देख नहीं सकते। ठीक है, लेकिन क्या वो रेडिएशन होती नहीं है? बिल्कुल होती है। हमें बचपन में ही पढ़ाया जाता है कि हमारी ओजोन लेयर जो है वो सूरज से आने वाले शुआओं में अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को रोक देती है, जिसकी वजह से हमारे पास स्किन डिजीज वगैरह होने से हम बच जाते हैं। ठीक है, तो ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी आ रही होती तो जिसकी वजह से हम इससे बचे रहते हैं। ठीक है, अब उसके साथ हमें ये भी ये देखिए ये बात बताई गई कि एटमॉस्फेरिक ओजोन जो है वो एब्जॉर्ब करती है इस चीज़ को, लेकिन जो हमारे पास फ्लोरोकार्बन्स है वो हमारी ओजोन को खराब करते हैं, और उसकी वजह से हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सूर्य से जमीन तक आ सकती है और वो नुकसान का बायस हो सकती है। जी, अल्ट्रावायलेट से भी फर्दर ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजन में जाएं तो हमारे पास एक्सरेज आती हैं। एक्सरेज का आपको वेवलेंथ बताई गई है, और ये कैसे प्रोड्यूस होती है? एक्सरे प्रोडक्शन का आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन फायर किए गए किसी मेटल सरफेस पर तो उससे एक्सरेज प्रोड्यूस होते हैं, और
एक्सरेज का काम क्या है वो हम सब लोग जानते हैं कि ये हमारे पास वाइडली यूज होता है मेडिकल पर्पसेस के लिए, जिसमें हम बोन स्ट्रक्चर जो है उसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्सरे इसका जो और काम है वो है एक्सरे एस्ट्रोनॉमी। लाइक अल्ट्रावायलेट एस्ट्रोनॉमी इज डन विद ऑर्बिटिंग ऑब्जर्वेटरीज, मोस्ट स्टार्स सच एज सन आर नॉट स्ट्रॉन्ग एक्सरे एमिटर्स, हाउएवर इन सर्टेन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू नियर बाय स्टार्स ऑर्बिटिंग अबाउट देयर कॉमन सेंटर ऑफ मास, मटेरियल्स फ्रॉम वन स्टार कैन बी हीटेड एंड एक्सेलरेटेड एंड फॉल्स इनटू द अदर एमिटिंग एक्सरे इन दिस प्रोसेस। तो हमारे पास बहुत सारे स्टार्स हैं जो एक्सरेज भी एमिट कर सकते हैं, तो हम उसको भी उसके लिए भी एक्सरे एस्ट्रोनॉमी को यूज कर सकते हैं। और फाइनली हमारे पास है वेयर इज गामा रेस, जी फाइनली हमारे पास है गामा रेस, ठीक है। और गामा रेस क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद शॉर्टेस्ट वेवलेंथ और सबसे स्ट्रांग होती है। दे आर मोस्ट पेनिट्रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड एक्सपोजर टू इंटेंस गामा रेडिएशन कैन हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी। दीज रेडिएशन कैन बी एमिटेड इन ट्रांजिशन ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस। गामा रेज जो है वो इंसान की जिस्म पर अगर डाल दी जाए तो उसके लिए खतरनाक होती है, और इसके ये न्यूक्लियर प्रोसेसेस के दौरान ये प्रोड्यूस होती है, और इनकी सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है, ये सभी हम सब लोग जानते हैं, ठीक है। और गामा रेज के ये जो आपको बताए गए हैं कि जी एक पायोन जो है वो भी गामा रेडिएशन में एमिट होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को कंबाइन करें जिसको हम पेयर अनाहिलेशन प्रोसेस कहते हैं, तो उसमें भी हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज, ठीक है। इच सच प्रोसेस एमिट्स गामा रेज ऑफ अ यूनिक वेव। इन गामा रे एस्ट्रोनॉमी डिटेक्शन ऑफ सच रेडिएशन सर्व्स एज एविडेंस ऑफ पर्टिकुलर न्यूक्लियर प्रोसेसेस इन द यूनिवर्स, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। फर्ज करते हैं कि हमने एक टेलीस्कोप लगाई है जिससे हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे यूनिवर्स में क्या हो रहा है, ठीक है। तो हम सन की तरफ देखते हैं, तो सन की तरफ छोड़े, हम अपने गैलेक्सी की सेंटर की तरफ देखते हैं, तो ऐसा होगा कि जब हम सेंटर की तरफ देखेंगे तो हर स्टार से लाइट आ रही होगी, तो फिर तो हमें सही नजर नहीं आएगा क्योंकि रोशनी इतनी ज्यादा हो जाएगी। ऐसा ही होता है ना, जब सुबह दिन के वक्त सूरज निकला होता है तो हमें बाकी स्टार्स नहीं नजर आते क्योंकि सूरज की अपनी रोशनी इतनी ज्यादा होती है कि बाकी स्टार्स जो है वो उसमें डिसअपियर हो जाते हैं। इसी तरह जब हम अपने गैलेक्सी के सेंटर की तरफ देखने की कोशिश करते हैं टेलीस्कोप के जरिए, तो बाकी स्टार्स बहुत ज्यादा हैं क्योंकि हमारी गैलेक्सी में तो उनकी इतनी ज्यादा लाइट होती है कि हमें सही से दिखाई नहीं देता। तो फिर क्या करते हैं कि हम अपने टेलीस्कोप को विजिबल रीजन की बजाय अल्ट्रावायलेट या एक्सरे या गैमा रे रीजन में चेंज करते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि सारे स्टार्स लाइट तो प्रोड्यूस करते हैं लेकिन सारे स्टार्स एक्सरेज या गैमा रेज प्रोड्यूस नहीं करते, तो जिसकी वजह से जो लाइट पोल्यूशन है वो कम हो जाती है, और जो फिर मोस्ट स्ट्रॉन्ग स्टार्स होते हैं जो कि गामा रेज प्रोड्यूस करते हैं हमें सिर्फ वही नजर आते हैं, बाकी सारे जो स्टार्स हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं और फिर हम ज्यादा दूर तक देख सकते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।